हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस इन द पास्ट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, कुछ हो गई एरर, गड़बड़ हो गई, तो अब उस गड़बड़ को हमें सुधार करना है, हमें सही करना है, जिससे कि जो पार्टनर है उनको सही पैसा मिले, या उनसे अगर फर्म को पैसा लेना है तो सही अमाउंट ले। तो जो भी एरर होती है वो यहाँ पर होती है। मैं आपको बताता हूँ, 11th में आप लोग बनाते थे ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने। अभी आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाया कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मान लीजिए कोई एरर हो गई, रेक्टिफिकेशन करना है आपको, सही करना है। तो जो एरर है, क्या एरर हो सकती है, एरर हो सकती है क्या क्या चीजें हम पार्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसका शेयर मान लीजिए देना था इक्वली सबको, लेकिन अलग अलग रेशो में दे दिया। तो ऐसी कुछ गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि ऑल एडजस्टमेंट विल बी डन कंसीडरिंग कैपिटल और करंट अकाउंट। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं वो कैपिटल या करंट अकाउंट में हम कर रहे हैं। तो जो पार्टनर की जो इनकम, जो पार्टनर का जो अकाउंट होता है, जो कि बिजनेस कर रहे हैं, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में हम वो चेंजेस करने जा रहे हैं, वो चेंजेस उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में इफेक्ट देंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कोई एंट्री करनी थी, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री करनी थी, लेकिन वो एंट्री नहीं हुई, नो एंट्री, तो आप क्या करो, अब कर दो उस एंट्री को। मान लीजिए रॉन्ग एंट्री हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया शेयर ऑफ प्रॉफिट, दो पार्टनर ने इक्वली मिलना था प्रॉफिट, लेकिन एक को मिल गया 25%, एक को मिल गया 75%, मतलब एक को मिल गया 1/4, एक को मिल गया 3/4, जबकि मिलना था दोनों को 1/2, 1/2। तो रॉन्ग एंट्री हो गई तो उसे सही कर दो। और ये चीज तो आप जानते होंगे, अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि पार्टनर और फर्म के बीच में क्या रिश्ता होता है। जब भी पार्टनर कोई इनकम होती है पार्टनर के लिए, इनकम क्या है, जैसे उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके लिए इनकम है। तो पार्टनर के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड जाती थी कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। वही जो पार्टनर के लिए इनकम है क्रेडिट साइड जाएगी, वो फर्म में डेबिट साइड जाएगी, क्योंकि फर्म के लिए जो फर्म का अकाउंट बनता था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें डेबिट साइड में लिखते थे हम। इसी तरह जो पार्टनर के लिए खर्चा है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर ने ड्रॉइंग की, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो उसको उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पार्टनर को डेबिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फर्म का जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसमें क्रेडिट साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आपको ये याद रखना है कि डेबिट एंट्री अगर पार्टनर के लिए, तो फर्म के लिए क्रेडिट एंट्री है, और पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट है, क्योंकि जब हम ये एडजस्टमेंट करेंगे तो हम इसी तरह करेंगे, कोई चीज डेबिट होनी थी लेकिन क्रेडिट हो गई तो फिर हम डेबिट करेंगे। अभी जब आगे करेंगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। तो अब हम पास्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बुक के अंदर वो सॉल्व करेंगे, इससे आपको सारा मेथड कॉन्सेप्ट सब समझ आ जाएगा कैसे करना है। रिया मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर ₹1,40,000, ₹84,000, ₹1,06,000 रेस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली, इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर। क्या हुआ कि ये जो 3 साल का प्रॉफिट है ये इक्वली बांट दिया गलती से, जबकि बांटना था 3:2:1 के रेशो में, ठीक है। लास्ट में कह रहे हैं गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर होता क्या है, जर्नल एंट्री बनाने से पहले हमको रेक्टिफिकेशन करके दिखाना पड़ता है वर्किंग नोट के अंदर, फेयर नोट्स में। तो उसके लिए आप ऐसी टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट की टेबल, इसके अंदर जितने भी पार्टनर हैं उनका डेबिट क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि रेया मोना निशा, और लास्ट में फर्म का जो भी टोटल होगा ना इन सबका एडजस्टमेंट का, वो फर्म में आएगा डेबिट क्रेडिट उधर पर्टिकुलर, और ये ऊपर जर्नल एंट्री के लिए तो हमने फॉर्मेट बना ही रखा है।
अब सबसे पहले आपको यहां क्या करना है, रॉन्ग जो एंट्री हो गई, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे पर्टिकुलर में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1:1:1 में हो गया। कितना प्रॉफिट था, तीनों सालों का प्रॉफिट आप जोड़ोगे 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, इनका आप टोटल करोगे तो ये हो गया 1,90,000 और 3,30,000। ठीक है जी, ये हो गया 3,30,000। अब 3,30,000 को इक्वली बांट दिया, इक्वली कितना बटेगा, ये 1,10,000 ईच, हर एक को 1,10,000 मिला, तो टोटल 3,30,000 हो गया। ठीक है, तो 1,10,000 ईच इक्वली दे दिया, जो कि रॉन्ग है, रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, अब आपको एक बार मैं सही मेथड से चल रहा हूं, आप इस बात का ध्यान देना, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आप ध्यान देना, मान लीजिए ये तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ये हो जाता है पर्टिकुलर, ये है अपना रिया मोना निशा, और फिर पर्टिकुलर, फिर रिया मोना निशा। ठीक, अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो एंट्री, जैसे कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं ना, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखते हैं ना। तो ये कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में हम एंट्री करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो रॉन्ग एंट्री हुई वो क्रेडिट साइड में हो गई, जो 1,10,000 की हुई। ठीक, तो अब इसको सही करने के लिए हम यहां पर डेबिट में लिख देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1:1:1 को हम सही करने के लिए जो क्रेडिट एंट्री गलत हो गई उसको डेबिट में लिख देंगे। अब हम यहां लिख देंगे 1,10,000, फिर डेबिट में 1,10,000, फिर 1,10,000, इस सबका टोटल यहां पर डेबिट एंट्री क्या आएगी, 3,00,000। अच्छा, अब जो ये आपको पता है, ये जो प्रॉफिट है, ये अगर पार्टनर्स के लिए इनकम थी तो फर्म के लिए ये खर्चा हो गया, क्योंकि पार्टनर्स तो ले गए फर्म से। तो जहां पार्टनर्स के लिए ये क्रेडिट में एंट्री हुई थी, ये डेबिट बैलेंस आया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब हम यहां डेबिट में लिख रहे हैं ना, तो फर्म के लिए होता है अपोजिट। मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें यही बताया था ना, पार्टनर के लिए जो होगा वो फर्म के लिए हो जाएगा अपोजिट। तो इन तीनों का टोटल करके आप यहां पर क्रेडिट में एंट्री करोगे 3,30,000, 3,30,000 की एंट्री हो गई। अब इसको आपको करेक्ट एंट्री करनी है, रॉन्ग एंट्री तो आपको पता चल गई, अब करेक्ट एंट्री कैसे होगी, अब आप लिखोगे Correctly distribution of profit into क्या 3:2:1, 3:2:1 के रेशो में। तो अब ये जो 3,30,000 है, ये कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखानी होती है, आपको तो ये ही दिखाना है फेयर वर्किंग नोट में। तो आप इसको कहीं और भी कर सकते हो, इसको आप क्या करोगे, आप 3/6, 3+2+1 6 होता है, तो 3/6, ऐसे 2/6 और 1/6, ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे। तो 3/6 कितना हो जाएगा, ये 6 5 30 और फिर से 6 5 30 और 0 0 0, तो ये 55,000 × 3, तो ये हो गया 1,65,000। और 2/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,10,000, और 1/6 करेंगे तो
55,000, मतलब कि जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का होना था वो रिया को मिलना है 3/6, तो वो मिलेगा 1,65,000। मोना को मिलना है 2/6, तो मिलेगा 1,10,000। और निशा को मिलना है 1/6, तो 1,55,000 मिलेगा टोटल। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसकी क्या करेंगे, अब करेंगे हम क्रेडिट एंट्री, क्योंकि अब जो हमें देना है उनको वो तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा जो हमें मिलेगा। तो अब हम क्रेडिट में एंट्री कर देंगे 1,65,000, 1,10,000 और 55,000। और यहां पर क्रेडिट में एंट्री हो रही है तो फर्म में, अब फर्म को तो देना पड़ेगा पार्टनर्स को इतना पैसा, तो फर्म देगी तो फर्म के लिए हो जाएगा डेबिट एंट्री 3,30,000। ठीक, यहां तक समझ गया। अब क्वेश्चन में और तो कुछ है नहीं, सिर्फ इसी की बात हुई थी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो अब हमको क्या करना है, अब इसका बैलेंसिंग करेंगे हम, क्योंकि टोटल तो ये 1,65,000 ही हो गया नीचे। सब में जैसे इसमें हो गया 1,65,000, तो ये भी 1,65,000 होगा। तो ये सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,65,000 माइनस 1,10,000 कितना बचा, 55,000। और ये 55,000 क्या है, एडजस्टमेंट, कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, तो एडजस्टमेंट 55,000 रिया का हो गया क्रेडिट बैलेंस, मतलब इतना उसको और मिलना है अभी क्रेडिट बैलेंस। मोना के में 1,10,000, तो यहां भी ये, यहां भी ये, तो कुछ होगा ही नहीं, नो चेंज। निशा के में होगा 1,10,000 डेबिट में है और 55,000 क्रेडिट में, तो क्या होगा, टोटल तो हम 1,10,000 ही करेंगे, दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट में सेम होता है बैलेंस, पता है आपको। अब 1,10,000 में से 55,000 लेस करेंगे तो 55,000 बच गया। तो ये क्या हुआ, क्रेडिट में ज्यादा था तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस, और ये क्या हुआ, डेबिट में ज्यादा था तो ये हो गया डेबिट बैलेंस। ठीक, तो अब इसकी जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, बस आपने यहां पर देख लिया इसकी जर्नल एंट्री होगी, क्यों होगी और कैसे होगी ये बताता हूं मैं। देखो, अब निशा को मिलने कितने थे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना था 55,000 मिलने थे, 55,000 मिल गए 1,10,000, और रिया को मिलने थे 1,65,000 लेकिन मिले कम 1,10,000, तो उसे 55,000 और मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो कैपिटल अकाउंट में कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड इनकम हो जाएगी ना रिया की, और निशा को 55,000 उसके अकाउंट में से काटे जाएंगे, कम किए जाएंगे, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी निशा अकाउंट डेबिट टू रिया अकाउंट, या हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट, क्या हो गया ये 55,000 निशा लौटाएगी 55,000 और रिया को मिल जाएंगे, ये हो गई जर्नल एंट्री। यहां पर आप डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ
सिंपल, ये हो गई जर्नल एंट्री, क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो दिया नहीं और प्रॉफिट बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 3000 और 1000 पंकज और अनु का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में कहां आता है? क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड मतलब इनकम है पार्टनर की, इनकम है और नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री जो मिलना है उनको, करेक्ट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 हमने क्रेडिट कर दी, उनको क्रेडिट नहीं हुई नहीं मिली तो हमने दे दी 3000 क्रेडिट कर दी अनु की और 1000 पंकज की कर दी। तो टोटल फर्म का क्या हो गया? 4000 डेबिट, क्योंकि देती तो फर्म है ना, तो फर्म के 4000 डेबिट हो गए, खर्चा हो गया। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? क्वेश्चन में बताया गया है कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था इक्वली, उसके अंदर ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, हवा में तो उड़ने गई होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ी हुई होगी ना प्रॉफिट में ऑलरेडी। तो अब जो इक्वली गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जो क्रेडिट में हो गया था, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल, हमने अनु का डेबिट किया 2000 और पंकज का 2000 डेबिट किया, इनका हमने कम किया तो फर्म का बढ़ गया, क्रेडिट साइड एंट्री हो गई फर्म की। तो अब इससे क्या हुआ? एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर 3000 बैलेंस है क्रेडिट में अनु का तो, और डेबिट में 2000 है, तो क्रेडिट बैलेंस यहाँ 1000 आ गया, नीचे 3000 और पंकज का डेबिट बैलेंस 2000 है डेबिट में और क्रेडिट में 1000, तो डेबिट बैलेंस 1000 आ गया, 2000 और फर्म का जो टोटल आ गया। तो इससे हमें एंट्री क्या पता चली? पंकज को मिलने थे, करेक्ट एंट्री मिलने थे 1000, मिले 2000, 1000 ज्यादा मिल गए तो हमने उससे ले लिए, हमने डेबिट साइड एंट्री कर दी तो ले लिए। और अनु को मिलने थे 3000, मिले 2000 तो हमने 1000 और दे दिए, क्रेडिट एंट्री कर दी तो मिल गए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट 1000 एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इजी है, आगे क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, बस आपको समझना और सॉल्व करते जाना है। तो आगे अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 6% इंस्टेड ऑफ 5%, ठीक है। गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 5% मिलना था लेकिन गलती से 6% दे दिया, कैपिटल का अमाउंट दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको बता रखा है कि 5% देना था लेकिन 6% दे दिया गलती से। तो अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बना के रखा हुआ है, आपको अब मैं करके दिखाऊंगा कि हमको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर के लिए इनकम होती है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ले लिया हमने 6% अमाउंट, लेकिन लेना था 5%। तो अब जो 6% क्रेडिट साइड ले चुके हैं उसको डेबिट साइड लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप मत लिख देना आईओसी, आपको डिटेल पूरा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड। तो जो रॉन्गली क्रेडिटेड हुई है वो क्या रॉन्गली क्रेडिटेड हुई है? हमने आप वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, 1,20,000 जो राम की है उसमें 7,200, मोहन की 90,000 पे 5,400 और सोहन की 60,000 पे 3,600। तो हम ये यहाँ पर मेंशन करेंगे, राम की है 7,200 जो क्रेडिट हुई थी, तो हम डेबिट साइड लिख देंगे 7,200, मोहन की लिख देंगे 5,400 और सोहन की लिख देंगे 3,600 और इनका टोटल क्या आएगा? इनका टोटल आएगा 16,200। तो ये सब हमने डेबिट साइड लिखा है, तो फर्म में हम
क्रेडिट साइड लिखते हैं, आपको पता है जो चीज फर्म के लिए हमारे जो पार्टनर के लिए इनकम होती है वो फर्म के लिए खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर से हम ले रहे हैं डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो हम फर्म को दे रहे हैं, इस तरह से हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो ये टोटल आप चेक कर लो एक और बार, 8, 9, 9 और 7 16 और 16,200, तो ये हो गया 16,200। इसके बाद हम करेक्ट कैलकुलेशन करेक्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टली क्रेडिटेड, यहां आप मेंशन कर सकते हो एट 6% था ये, यहां लिखोगे आप एट 5%। तो 5% पे हम यहाँ कैलकुलेशन कर चुके हैं, राम की 5% पे 6000 बनती है, मोहन की 4500 और सोहन की 3000। तो अब ये क्या हमको ये क्रेडिट करना है, हमको क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ना जब उनको मिलेगी, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो अब हम ये यहाँ मेंशन कर देंगे 6000, 4500 और 3000। तो यहां जब हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो यहां पर फर्म में डेबिट साइड आ जाएगा, इसका टोटल क्या आएगा 10,500 और 13,500। तो अब आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए बस हम यहां कर देते थे और फिर इनको डेबिट या क्रेडिट बैलेंस लेके बैलेंसिंग कर देते थे, लेकिन वहां आपने ध्यान दिया होगा फर्म का बैलेंस दोनों तरफ सेम आता था, अभी तो आ नहीं रहा है फर्म का बैलेंस सेम। तो अब हम क्या करेंगे, फर्म का जो टोटल है बैलेंस वो सेम करना पड़ेगा ना। तो अब 16,200 में से हम 13,500 लेस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3,200 में से 500 2,700, 2700 आ जाएगा। ठीक, 2700 इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये जो 2700 आया है इसको हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देखो क्रेडिट बैलेंस है, फर्म का क्रेडिट में ज्यादा बैलेंस था और क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अब डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल रेशो में। तो अब हम यहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2700 को, और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को मिलेगा तो किस साइड आएगा, पार्टनर्स को मिलेगा तो हमेशा क्रेडिट साइड आता है। तो अब क्रेडिट साइड आएगा तो इसको आप 2700 को इक्वली डिवाइड करोगे, अगर 2700 को तीन पार्ट्स में इक्वली करोगे तो 1/3 करोगे तो ये हो गया 900। तो अब 900 तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, तो तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड 900 और 900 तीनों पार्टनर्स को मिल गया। ठीक है जी, तो अब ये हो जाएगा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 2700, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 2700 1:1 में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो देखो फर्म का बैलेंस हो गया पूरा, हमने जो गलत दे दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया था वो डेबिट कर दिया, और जो सही देना था वो यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया 2700, क्योंकि फर्म में डेबिट साइड है तो हमने पार्टनर्स में क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक, और यहाँ लिख दिया करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इक्वल रेशो में कर दिया। अब एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड जो होगा, एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड, अभी देखो टोटल क्या निकल रहा है यहाँ नीचे सबका, टोटल ये हो रहा है 7200। तो अब 7200 में से 6900 लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये आएगा 300 आ रहा है ये डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये क्या आ रहा है 5400 और इसमें 900 ऐड किया, ये तो 5400 ही है दोनों तरफ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई इक्वल है दोनों में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। और सोहन के में ये 3600 है और ये हो गया टोटल 3900। तो हम यहाँ लिखेंगे 3900 और 3900 में 3600 लेस किया तो ये हो गया 300 क्रेडिट बैलेंस,
और ये तो हो ही गया सेम, क्योंकि हमने 2700 जो डिफरेंस था वो लिख ही दिया था। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल है समझना। राम का हो रहा है डेबिट बैलेंस, सोहन का हो रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो ये हो जाएगा राम अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसी तरह से आगे सारे क्वेश्चन हैं। मैं एक-एक क्वेश्चन ऑल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए जो मैंने नहीं कराया है तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ लेना। अभी आप देख लो इसको पॉज करके वीडियो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ ₹140,000 एंड ₹120,000 रेस्पेक्टिवली। The drawings of Meeta and Usha during the year 32,000 and 24,000. Both the amounts were drawn on 1 January 2016. It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the financial. देखो अब following items had been omitted, जो नीचे आइटम दिए हुए हैं वो ओमिट हो गए, वो लिखे ही नहीं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय। क्या चीजें हैं वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर देना था वो नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पे लेना था पार्टनर से वो लिया नहीं, और नीता को कमीशन मिलनी थी 8,000 की पूरे साल भर की, उसको वो नहीं दी। तो इन सब चीजों की अब एडजस्टमेंट एंट्री होगी और उसके बाद जर्नल एंट्री होगी। लास्ट में कह रहे हैं शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास आर रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो जो इससे पहले क्वेश्चन था आपने उसमें ध्यान दिया होगा, उसमें कहा गया था कि गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री करो। तो हम ये जो टेबल बनाते थे ये हम वर्किंग नोट बनाते थे, फेयर वर्किंग नोट दिखाते थे। यहाँ पर तो कह दिया है कि हमको दिखाओ, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, क्लियरली अपनी वर्किंग जो कर रहे हो शो करो, तो ये वर्किंग नोट में नहीं बनाएंगे। अब शुरू करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन। अब हम बहुत आगे आ गए हैं, आप लोगों को कैलकुलेशन खुद करनी चाहिए, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ कि 6% कितना होगा कितने का। अब सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया गया है वो हमको देना है। तो करेक्टली क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। तो 6% कितना होगा, इनकी कैपिटल है 1,40,000, 1,12,000, तो 1,40,000 का 6% कितना होगा, 84। तो 84 होगा तो क्रेडिट करेंगे हम, क्योंकि यहां भी लिखा हुआ लिख दिया मैंने क्रेडिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड ही तो जाती है, क्रेडिट ही तो होता है। तो अब हम क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,400। ठीक, इसके बाद 6% 1,20,000 पर उषा की हम क्रेडिट करेंगे, वो कितना होगा, वो होगा 7,200। और यहां दोनों जगह क्रेडिट साइड लिखा हुआ पार्टनर में, तो फर्म के में हम डेबिट साइड लिख देते हैं आपको पता है, तो ये हो गया 15,600। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जो 6% चार्ज करनी है, चार्ज करते हैं जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखते थे, तो डेबिट साइड पे लिखते थे, तो अब हम क्या करेंगे, करेक्टली करेक्टली डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 6%। अब उनका जो ड्रॉइंग का अमाउंट है उनको क्वेश्चन में दिया है ना 32,000 24,000, उस पर आप 6% चार्ज कर लो, तो क्या आएगा 32,000 का 6%,
तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। मैं आपको फिर से क्वेश्चन पे वापस ले चलता हूँ, देखिए जहां से ड्राइंग का लिखा हुआ है, द ड्राइंग्स ऑफ गीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर रुपीज 32,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी को विड्रॉ किया था, ड्राइंग की थी सिर्फ 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, मान लो आप 32,000 का पहले आप करोगे 6%, तो ये आ जाएगा आपका 1920। अब 1920 को आपको क्या करना होगा, 3 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च के लिए तो आप कैलकुलेट करोगे, तो आप 3/12 करोगे, 3 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो जब आप ये 3/12 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 480, ठीक है जी। 3 1 3 3 4 12 और 4 से इसको करोगे तो 4 4 16 और 32, 4 8 32, तो ये आ गया 480। तो 480 आपका इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा मीता के ऊपर। और इसी तरह अब आप 24,000 जो उषा की ड्राइंग है उसका आप 6/100 इंटू 3/12 करोगे तो वो आ जाएगा आपका 3 4 12 और 4 6 24 और 6 6 36, तो ये आ जाएगा 360, ठीक है जी, 360 आ जाएगा। तो यहां अब हम लिख देंगे 360। अब ये दोनों क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्यों है, क्योंकि उनसे चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो हमने डेबिट साइड लिखा, अब यहां पर डेबिट साइड लिखा है तो फर्म में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इसका टोटल करो आप, इसका टोटल आएगा 840, ये आ गया 840। अब क्या बचा, कमीशन देनी थी मीता को 8,000 रुपए साल भर की, तो अब हम फिर लिखेंगे करेक्टली, और कमीशन मिल रही है ना तो क्रेडिट होगी कैपिटल अकाउंट में, करेक्टली क्रेडिटेड कमीशन ऑफ क्या नाम है मीता, तो क्रेडिट साइड फिर से 8,000 आ गया और यहां पर डेबिट साइड आ जाएगा 8,000, ठीक है। अब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले तो आप फर्म का टोटल करोगे तो ये 15,600 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,600, और 23,600 जो ये हो गया टोटल, इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो ये जो 23,600 है इसमें से आप 840 को लेस करोगे तो क्या आएगा, 23,600 है ना, तो 800 किया तो 22,800 आया और उसमें 40 किया तो 22,760, तो 22,760 आप लोग चेक करो, मुझे लगता है यही आना चाहिए। और फिर हम इसका जो टोटल है वो टोटल लिख देंगे 23,600। अब आप देख रहे हो क्योंकि ये फर्म में क्रेडिट साइड आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट का अमाउंट ज्यादा था तो क्रेडिट साइड आ रहा है ये, तो अब हम पार्टनर्स के में कहां लिखेंगे, क्योंकि फर्म में क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो पार्टनर्स में हम डेबिट साइड लिखेंगे इसको डिवाइड करके। और कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे या शेयर करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में, 2:3 मतलब 2/5 और 3/5 ऑफ 22,760। अब ये कैलकुलेट करोगे आप तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9104 और 13656। तो अब इसको आप यहां पर डेबिट साइड लिखोगे 9104 13656, और ये क्या है, तो ये वो प्रॉफिट है जो ऑलरेडी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, ठीक है, ऑलरेडी रॉन्गली
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये है जिसको अब हम करेक्ट करेंगे तो अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब क्या होगा, 8000 प्लस 8400, ये 16400 होगा और इधर अमाउंट कम है तो इसमें से हम इसको लेस करेंगे तो यहां पर बैलेंस आ जाएगा 6816। ये है एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड। ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था। और यहां पर क्या है, 13900 कुछ या 14000 ये हो जाएगा तो, और इधर सिर्फ 7200 है तो ये यहां पर 6816 हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बैलेंस, डेबिट बैलेंस 6816। नीचे आप टोटल करोगे, इसका टोटल आएगा, तो इसका टोटल आएगा 16400, यहां भी 16400 और ये आप टोटल करोगे तो 13900 हो गया 14000। ऐसा लग रहा है मुझे, आप लोग चेक कर लेना, 14000 16 14000 16। तो यहां पर आपको साफ साफ पता चल रहा है डेबिट बैलेंस इधर आ रहा है उषा का और इसका नीता का आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। तो हम एंट्री क्या करेंगे, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट, बैलेंस क्या आ रहा है 6816 6816। बी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IOC, IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कमीशन। जितना आप डिटेल में यहां अच्छे से लिखते हो आपको आपके मार्क्स कटने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया, आप इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर लो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोलो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कमीशन नहीं दिया गया है तो हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब देते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ही जाता है तो हमने क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता है, खर्चा होता है पार्टनर्स के लिए तो डेबिट साइड जाता है तो हमने डेबिट में लिख दिया। कमीशन हमने क्रेडिट कर दिया अमिता का, फिर इनका जो टोटल था यहाँ पर क्योंकि ये क्रेडिट में है पार्टनर्स का तो यहाँ डेबिट में लिख दिया, ये क्रेडिट में है तो डेबिट में लिख दिया और ये डेबिट में है तो क्रेडिट में लिख दिया फर्म में। फिर हमने फर्म का अमाउंट बैलेंस किया तो बैलेंस करके 22760 डेबिट बैलेंस आया, मतलब डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में कम है। तो क्योंकि यहाँ डेबिट में था तो हमने यहाँ क्रेडिट में था डेबिट बैलेंस था तो इसको हमने क्रेडिट में था तो यहाँ डेबिट में लिख दिया दोनों पार्टनर्स के। इसमें उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3 उसमें 2:3 उसमें डिवाइड करके तो 2/5 ऑफ दिस 2/5 ऑफ 22760 हमने करके डिवाइड अमाउंट यहां पर लिख दिया। ये ऑलरेडी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट में। अब हमने एडजस्टमेंट किया, जो टोटल था जिस तरफ ज्यादा था उसमें से जिस तरफ कम था लेस करके तो क्रेडिट साइड ज्यादा था क्रेडिट बैलेंस आ गया, डेबिट साइड जा रहा था तो डेबिट बैलेंस आ गया और ये तो हो गया था पूरा सेम। बस यहां से हमने डेबिट उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट एंट्री कर दी, जर्नल एंट्री हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। इजी है इस मेथड को, इस चीज को आप लोग समझ लो, अभी हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, इससे ईजी कोई मेथड है नहीं।